हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज एक नई ड्रिंक के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ, जो कि आज के मौसम के हिसाब से और वबा के हिसाब से बहुत अच्छी है। इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, तो मुझे लगा कि ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए। तो मैंने वो ड्रिंक बनाई भी है और खुद भी पी रही हूँ, अपने हबी को भी दे रही हूँ और सबको मैंने बताया, क्योंकि वो बहुत अच्छी ड्रिंक है। और ऐसी चीज़ें हैं जो घर में सबके मौजूद होती हैं, और खजूर की तो आप फवायद जानते ही हैं कि वो कितने ताकतवर है, लेकिन अगर उसे हम खाली लें तो अभी गर्मियां हैं तो थोड़ी गर्मी भी हो सकती है। तो इससे अच्छा उसे दूध और केले के साथ एक शेक बनाना है, जो बहुत ही ईजी है और बहुत ही टेस्टी है। और आजकल के दौर के हिसाब से जो मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चीज़ें आपको बता रही हूँ उतनी मैं बता सकूँ, इसलिए ये शेक भी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये बहुत टेस्टी है, अच्छा है। इसमें चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ केले हैं, दूध है और खजूर है। और बनाने का भी बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना है आपने। रात में आपने खजूरों को भिगो देना है नॉर्मल पानी में, जो नल का पानी आता है उसमें आपने उसे भिगो देना है, और सुबह उसके छिलकों को हटा देना है, बीज के बीज को, जो बीज में उसके बीज होता है उसको भी हटा दीजिए और उसको फाइनल कर दे आप, तो बस खजूर तैयार है। और बस दूध और केले हैं, केलों को छील लें आप, शेक में तो छिले हुए केले डलते हैं, और सबको एक साथ डाल के मिक्सी में मिक्स कर दें। इसमें शुगर नहीं जाएगी क्योंकि ऑलरेडी हमने खजूरें ली हैं, तो खजूरों का जो टेक्सचर होता है वो बहुत मज़ेदार सा इसमें एक मिठास दे देगा, जो बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो एक ग्लास भी बना सकते हैं, एक ग्लास के लिए आपको दो खजूरें बहुत होंगी, दो केले बहुत होंगे और आधा ग्लास दूध, क्योंकि वो मिक्स होके एक ग्लास बन ही जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा फैमिली, बड़ी फैमिली के लिए बनाना चाहते हैं, तो उसका जो भी रेशो रखा है वो मैं भी आपसे डिस्कस करती हूँ और वो बताती हूँ कि कम अज़ कम मैंने जो ली है वो 10 से 11 खजूरें ली हैं। उन्हें मैंने रात को सो करने के लिए रख दिया था, और मॉर्निंग अभी नमाज का टाइम हो के ख़त्म हो चुका है और अभी मैंने उसे छील लिया है, और अभी बस मैं बनाने के लिए जा रही थी एटलीस्ट। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले अपनी वीडियो का स्टार्ट कर दूं ताकि आप लोग भी इस वीडियो में शामिल हो जाएं। तो चले चलते हैं किचन में उसे बनाने के लिए, मेरे साथ रहिएगा। जी, तो ये हम किचन में आ चुके हैं और यहाँ मैंने जो भिगोई हुई थी खजूरें, 8 से 10 हैं ये, तो मैंने इनके छिलके उतार दिए थे और मैंने इसे ग्राइंडर में डाल दिया है। ये रात भर भीगने के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाती है और इसका कवर बहुत आसानी से उतर जाता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ मैंने 6 से 7 केले लिए थे, जो बाद में मैंने 2-3 इसमें और डाले थे। मुझे थोड़ा सा ये पतला लग रहा था दूध डालने के बाद, क्योंकि मैंने पूरा 1 लीटर दूध इसके अंदर डाल दिया था। और ये ड्रिंक बहुत अच्छी है, इससे इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत बढ़ जाता है, और आजकल हमें ऐसी चीज़ें ढूंढनी चाहिए जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाए। और ये उन लड़कियों के लिए भी है, उन औरतों के लिए भी है जो काम करते हुए बहुत थक जाती हैं, बिना काम के भी थकन महसूस करती हैं, थोड़ा सा सर में दर्द महसूस करती हैं, कमर में, टांगों में। आप यकीन करें, ये ड्रिंक इतनी अच्छी है कि जब आप इसे मॉर्निंग में लेंगे तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। और इस ड्रिंक के अंदर मैंने शक्कर बिल्कुल भी यूज़ नहीं की है, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो खजूरें डाली थी वो आपको दिख भी रहा होगा जग के अंदर कि वो बिल्कुल पिस चुकी हैं, और जो इसका टेस्ट था बहुत मज़े का था, और खजूर से ही इतना अच्छा टेस्ट हो गया था कि मुझे इसमें शक्कर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये ड्रिंक हर लड़की, हर औरत को पीनी चाहिए, साथ साथ आदमियों को भी, क्योंकि इस वक्त इम्यूनिटी सिस्टम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मर्दों को है, क्योंकि हम तो घर में रहते हैं, बाहर के सारे काम हमारे मर्द करते हैं घरों के। तो कोशिश करें कि मॉर्निंग में इस ड्रिंक को बनाएं, और नाश्ते की जगह आप ये लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी है पीने में भी और टेस्ट में भी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जायका अच्छा नहीं होता, लेकिन आप यकीन माने ये शेक बहुत अच्छा है। इसे शेक कह लीजिए या कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। मुझे आपसे शेयर करनी थी, अपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताया करें वीडियो कैसी लगी, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें, लाइक भी किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। और हाँ, लाइक का बटन दबाना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।